सो ये है एक नेदरराइट आड़मार जो कि यार हमारे एसएमपी में अभी किसी के पास भी नहीं है, लेकिन आज के इस वीडियो के बाद ये आड़मार मेरा होने वाला है। उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले यार तुम लोग पूरा दिन अपना मोबाइल चलाते हो, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, पर प्लीज यार मेरे इस 4-5 मिनट के वीडियो को तो पूरा तो वॉच कर लो प्लीज। एंड ऑल्सो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज हम लोग पॉकेट एडिशन के अंदर लाइफ स्टाइल एसएमपी खेलते हैं, पॉकेट एडिशन के अंदर वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज यार सब्सक्राइब भी जरूर से कर दें। और रेट्स में भी एसएमपी में आ चुका है, एसएमपी में आ जाने के बाद मैं अपने सारे सामान वगैरह ले लेता हूँ, बिकॉज मुझे अभी जाना है नेदर के अंदर। नेदर के अंदर मुझे थोड़ा सा संभाल के जाना पड़ेगा, बिकॉज तुम लोगों को तो पता ही है कि नेदर के अंदर कितना खतरा होता है। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम अपना सामान वगैरह ले लेते हैं फटाफट एंड निकल जाते हैं यहाँ से। एंड मुझे लगता है अपने गेट को, नहीं वेट व्हाट, नहीं 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 अबे अबे यार मैं अभी अभी बोलने वाला था कि मुझे अपने गेट को बड़ा करना चाहिए, और क्रीपर ने मेरे गेट को इतना बड़ा कर दिया कि क्या बताए। उसके बाद मेरे घर में पहली बार एक विंडरिंग ट्रेडर आया था, तो मैंने विंडरिंग ट्रेडर को मार दिया एंड उसके एक लामा को मार दिया, उसके एक और लामा को मैंने अपने पास रख लिया, बिकॉज मैं बहुत हरामी किस्म का आदमी हूँ। फिर उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम अपने नेदर के अंदर जाने वाला हूँ। यस गाइस, मैं फर्स्ट टाइम नेदर के अंदर जाने वाला हूँ, इससे पहले मैं नेदर के अंदर नहीं गया हूँ। एंड लेट्स डू वन थिंग, सो अभी हम लोग नेदर के अंदर आ चुके हैं एंड मुझे जल्दी से नीचे डिगिंग करना पड़ेगा, बिकॉज अभी मेरे पास ज्यादा टाइम वगैरह नहीं है, मुझे और भी काम वगैरह करना है, मुझे एक विलेज के अंदर रेड करवाना है। उसके बाद मैं नीचे डिगिंग करना स्टार्ट करता हूँ। डिगिंग करते करते मेरे साथ क्या हुआ तुम लोग देख सकते हो। ओ शिट, नहीं ओ शिट ओ भाई साहब, मेरे पास अगर ये 5 हार्ड एक्स्ट्रा नहीं होते तो मैं भाई गया था अभी। ओ माय गॉड, क्या लक है भाई मेरा। उसके बाद मैंने अपना सबसे ज्यादा बोरिंग वाला काम किया, यस वो है माइनिंग करना। A few moments later. फिर उसके बाद मेरे पास इनफ एंशिएंट डेमिनिस हो चुके थे, फिर मैं विलेज पे आया। विलेज पे आने के बाद मैंने रेड करवाना शुरू किया एंड फाइनली रेड करवाने के बाद मेरे पास बहुत सारे टोटम हो चुके थे, तो मेरे आधे से ज्यादा एंशिएंट डेमिनिस तो यार हो ही चुके थे, बिकॉज मैंने ब्लास्ट फर्नेस में दिया था तो बहुत जल्दी हो रहे थे। तुम लोग टोटम देख पा रहे हो, मेरे पास 9 टोटम हो चुके हैं, थोड़े बहुत एमरल्ड भी। तो सबसे पहले मैंने इनको नेदर इंगट में कन्वर्ट किया। ओके यार, सो मैं अभी केव के अंदर आ चुका हूं, बिकॉज मुझे अभी आयरन की जरूरत था, मेरे पास आयरन नहीं था। वो क्या बोलते हो उसको, स्मिथिंग टेबल या फिर क्या बोलते उसको बनाने के लिए 2 आयरन की जरूरत है, तो मेरे पास आयरन नहीं है एंड मुझे केव में आना पड़ा। एंड इस केव में मैं ऑलरेडी एक बार आ चुका हूँ ऑफ कैमरा, एंड यार मुझे लगता है कहाँ पे मिलेगा ये आयरन, लेट्स गो देखते हैं। यहाँ पे चलो, यहाँ ओके ये कॉपर है भाई, चलो ओ माय गॉड। यहाँ पे मैं फिर से, मैं तुम लोग एक बार बता रहा था कि मैं जॉम्बी के हाथों मर गया था अपने सेकंड एपिसोड में या फर्स्ट एपिसोड में, हाँ सेकंड एपिसोड में बता रहा था, तो मैं यहीं पे मरा था। लेट्स गो, यहाँ पे क्लच करते हैं ब्लॉक लगा के, नीचे जॉम्बी वगैरह है, फटाफट से यार यहाँ से मैं दो एक सेकेंड, ओ शिट मेरा ग्लिच हो चुका, ओ शिट मैं गया, फिर से गया, मेरा एक हाथ फिर से गया। निकल भाई निकल निकल निकल, मैं तो इस कंट्रोल में खेल भी नहीं पाता, अगर मेरा पॉकेट एडिशन का खुद का कंट्रोल होता तो भाई मैं इसको कब का फेल देता। ओ भाई चलो चलो, इसके मुंह मत लगो भाई, भागो यहाँ से। तो मुझे भागते भागते कुछ आयरन दिख चुके थे, तो मैं फटाफट आयरन के पास गया। लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे कुछ आयरन है, सबसे पहले यहाँ पे टॉर्च लगाते हैं। लेट्स गो, यहाँ पे मुझे मेरे आयरन दिख चुके हैं, फटाफट से यहाँ पे आयरन को उठाते हैं। भाई किसी के मुंह नहीं लगना, ना कि क्रीपर के, ना स्केलेटन, किसी के भी मुंह नहीं लगना, फटाफट यहाँ से भाग जाते हैं भाई, बिकॉज मुझे यहाँ पे किसी के साथ भी नहीं। ओके मेरे पास लगता है इन्वेंटरी फुल है, तो मैं पे टॉर्च को लगा देता हूँ। मेरे पास बहुत ही सारे टोटम ऑफ अंडाइन आ चुके हैं, मैं मुझे लगता है मैं फिर से एक बार रेड करवाने वाला हूँ, लेट्स सी देखते क्या होता है। एंड मैं यार ऑफ कैमरा खेल के अपने आर्मर को इंचेंटमेंट कर लूँगा, देखते क्या होता है इस एपिसोड में। लेट्स गो भाई, जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं एंड अपने आप को नेदरराइट में कन्वर्ट करते हैं। सो देयर वी गो गाइस, फाइनली हमारा स्मेल्टिंग टेबल, स्मेथिंग टेबल क्या बोलते हैं, फाइनल हो चुका है हमारा। एंड सबसे पहले एक सेकंड हम अपने आर्मर को निकालते हैं। ओके लेट्स डू वन थिंग, किधर गया ये, मेरा ओपन क्यों नहीं हो रहा भाई। ओके ओपन हो चुका है, सबसे पहले हम अपने आर्मर वगैरह को निकालते हैं। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, एंड हम अभी कवर होने वाले हैं नेदर राइट में। लेट्स गो भाई, मुझे इतना पैनिक फील क्यों हो रहा है भाई। चलो 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 भाई, लेट्स गो, फाइनली हम लोग कन्वर्ट हो चुके हैं इस एसएमपी के अंदर नेदरराइट में, हम बन चुके हैं इस एसएमपी के मोस्ट डेडलीस्ट प्लेयर। सो मैं एसएमपी में ऑफलाइन खेल रहा था, ऑफलाइन खेलते खेलते मैं अपने कुछ मेंबर के साथ भी वीसी में बात कर रहा था, बात करते करते मैं ऑफलाइन खेल रहा था एंड मैंने फाइनली अपने आर्मर को इंचेंटमेंट कर लिया। तुम लोग एक और फनी बात सुनो, मिस्टर देवसा भाई मेरा एक दुश्मन है, मतलब वो हमारे टीम में नहीं है, फिर भी उसने क्या क्या पता है, वो मेरे घर के पास अपना घर बना दिया भाई। मैं सोच रहा हूँ कि उसके घर को भाई फाड़ डालूंगा पूरा, लेकिन यार वो मतलब बंदा थोड़ा सा नॉर्मल है, ठीक है, वो बंदा लड़ाई वगैरह में नहीं होता, वो बंदा यार अपना पीसफुली रहना चाहता है, तो हम लोग उसके घर को कुछ भी नहीं करने वाले हैं, तो उसको रहने दो, वो जो भी करता है। लेकिन हाँ, हम यूपी के को और पीप का को जरूर मारेंगे यार, एक दिन इनको यार इस एसएमपी से बैन करके छोड़ेंगे और हम ही रिवाइव करेंगे और
हम ही उन लोगों को बैन करेंगे। लेट्स सी मैन इस एसएमबी में आगे और क्या क्या होता है।